覚悟してろよ。行くぜ。तो आज हम वन ऑफ द रिक्वेस्टेड थॉर एंड घोस्ट राइडर की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर की कई सारे अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, बट हम इस एपिसोड में मोस्ट फेवरेट जॉनी ब्लेस को लेंगे। तो गाइस, कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर बात करें थॉर के बारे में तो वो ओडिन एंड अर्थ गॉडेस गाया का बेटा है। हाफ एस्गार्डियन एंड हाफ एल्डर गॉड होने की वजह से थॉर पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को, और यहाँ पे हम वर्ड दी थॉर यानी थॉर विद म्यूनिट की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट म्यूनिट थॉर की ओवरऑल पावर्स एंड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। बात करें थॉर की स्ट्रेंथ के बारे में तो उसने अपनी मिनिमल एफर्ट से एक ब्रिज को लिफ्ट किया था, स्काई स्क्रैपर को लिफ्ट किया था, मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड रॉक को मूव किया था, थॉर स्मॉल प्लैनेट्स को बेंच प्रेस कर सकता है, प्लैनेट की हाफ ऑफ दी वेट को भी वो आराम से खेल चुका है, उसने एक सिटी बस्टिंग एक्सप्लोजन को शील्ड से ब्लॉक किया था, एक कैसल को लिफ्ट किया था, उरु मेटल को क्रश किया था एंड मिडगार्ड सर्पेंट को पुल भी किया था। इसके अलावा उसने वर्ल्ड इंजिन को पुश किया था जो कि 9 प्लैनेट्स के कंबाइंड वेट जितना हेवी था, और तो और थॉर 20 प्लैनेट्स के कंबाइंड वेट को भी होल्ड कर चुका है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी, वो अपनी एक जंप से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। बात करें थॉर की ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस के बारे में तो वो स्मॉल प्लैनेट बस्टर एक्सप्लोजन को विथस्टैंड कर चुका है, अर्थ शैटरिंग ब्लास्ट को स्टैंड कर चुका है, जगरनॉट की माइटी ब्लोस को सरवाइव कर चुका है, थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग फोर्स को स्टैंड कर चुका है, सर्टर की माउंटेन मेल्टिंग फायर बीम्स को झेल चुका है। इसके अलावा उसने कॉन्टिनेंट मेल्टिंग रेडिएशन को टैंक किया था, थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग एनर्जी बीम को एंड्योर किया था, गॉड द गॉड बुचर की एक्सट्रीम टॉर्चर को झेला था, एडिशन द जज की सेवरल एनर्जी ब्लास्ट को सरवाइव किया था, और तो और उसने गॉड बॉम्ब को भी सरवाइव किया था। थॉर पोजेस करता है सुपर ह्यूमन रेजिस्टेंस को, वो केमिकल्स, फेटल डिजीज, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मैजिक, मैटर मैनिपुलेशन, पॉइजन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन एंड टेलीपैथिक अटैक्स को रेजिस्ट कर सकता है। लाइक वो ब्लास्ट ऑफ एसिड से कम्प्लीटली अनहार्म्ड था, प्लेग डिजीज से थॉर अनइंफेक्टेड था, थॉर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, म्यूनिर की यूज करके थॉर मैजिकल स्पेल को तोड़ सकता है एंड मैजिकल स्पेल को काफी हद तक रेजिस्ट भी कर सकता है। थॉर ने कैन की मैटर मैनिपुलेशन बीम को रेजिस्ट किया था, और तो और स्पेस फैंटम की मैटर रिप्लेसमेंट एबिलिटीज भी थॉर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। थॉर इम्यून है ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पॉइजन से, वो सोल मैनिपुलेशन को रेजिस्ट कर सकता है, और तो और मेफिस्टो भी थॉर की सोल को मैनिपुलेट नहीं कर पाया था। इसके अलावा वो टाइम मैनिपुलेटिंग अटैक्स को कई बार रेजिस्ट कर चुका है, और माइंड अटैक्स को भी उसने कई बार रेजिस्ट किया है। अभी अगर बात करें थॉर की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में तो वो आसानी से स्नाइपर बुलेट को ब्लॉक कर सकता है, कैनन फायर को डिफ्लेक्ट कर सकता है, इसके अलावा उसने मिसाइल को ब्लॉक किया था, कोलोसस को आउटस्पीड किया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड को डिफ्लेक्ट किया था, और तो और एक बार उसने ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड हर्मिस को पकड़ भी लिया था। थॉर के पास फ्लाइट की एबिलिटी है, वो म्यूनिर को यूज करके काफी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। थॉर म्यूनिर को यूज करके मिनटों में सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है, उसने एक शिप को पकड़ा था जो कि 4-5 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा था, और तो और थॉर कई बार स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल भी कर चुका है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्टैमिना, वो 9 महीनों तक बिना सोए भी सही सलामत था, और तो और एक बार उसने 80 दिनों तक फाइट किया था वो भी बिना रुके। उसके पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस, अपनी सेंस की यूज करके वो इनविजिबल एनिमीज को देख सकता है और अपनी फॉलोअर्स की प्रेयर्स को भी प्लेनेटरी डिस्टेंस से फील कर सकता है। थॉर के पास है एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर, वो अपनी सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को काफी जल्दी हील कर सकता है, एक बार उसने अपनी बॉडी में लगी कई सारे सीरियस वुंड्स एंड कट्स को कुछ ही दिनों में हील किया था, और तो और थॉर ने एक बार अपनी फ्लेश को घंटों में रीग्रो भी किया था। थॉर के पास है एक्सटेंड लॉन्जेविटी, वो एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ स्पेन कर सकता है। थॉर ऑलस्पीक है यानी थॉर किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है। थॉर के पास है म्यूनिर जो कि थॉर की पावर्स को एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसको और भी कई सारे पावर्स प्रोवाइड करती है। म्यूनिर की यूज करके थॉर एनर्जी को अब्सॉर्ब एंड प्रोजेक्शन कर सकता है, उसने एक बार थानोस की प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग एनर्जी बीम को अब्सॉर्ब करके थानोस के ऊपर ही प्रोजेक्ट किया था। म्यूनिर की यूज करके वो लाइटनिंग के थ्रू अपनी वुंड्स को हील कर सकता है, वो म्यूनिर से मिस्टिकल पावर्स को रिवील कर सकता है और मैग्नेटिक पावर्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एक बार उसने म्यूनिर की यूज करके मैग्नेटिक पावर को एनर्जी बीम में कन्वर्ट किया था, वो म्यूनिर की यूज करके पोर्टल की थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है। एक बार तो उसने पूरे एसगार्ड को ही पोर्टल की थ्रू टेलीपोर्ट किया था। अपनी म्यूनिर से वो मैजिकल स्पेल को काउंटर कर सकता है, म्यूनिर की यूज करके अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है, पावरफुल स्टॉर्म जनरेट कर सकता है, वेदर एंड एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा थॉर जनरेट कर सकता है पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट को, अपनी लाइटनिंग बोल्ट को
यूज करके उसने एक प्लैनेट को ऑलमोस्ट स्प्लिट कर दिया था, आयरन मैन को ओवरलोड कर दिया था और थॉर एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग बीम को भी ओवरपावर किया था। थॉर के पास है गॉड ब्लास्ट, उसने गॉड ब्लास्ट से मैट जगरनॉट को नॉकबैक किया था, इसके अलावा गैलेक्टस को भी हर्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, गॉड ब्लास्ट को यूज करके उसने फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स को ब्रेक भी किया था। थॉर के पास है वॉरियर मैडनेस जो कि थॉर की पावर्स को 10 गुना इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा थॉर के पास जब ओडिन फोर्स के एक्सेस होता है तब उसकी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ओडिन फोर्स जब थॉर चैनलाइज करता है तब इसे थॉर फोर्स कहा जाता है। थॉर एक एस्गार्डियन वॉरियर है और इसी वजह से वो मास्टर है बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट्स में। थॉर के पास मेन गॉड नाम की एक मैजिकल बेल्ट है जिसे यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को इंक्रीज कर सकता है और तो और थॉर के पास मेडिकल स्किल्स भी है। अभी अगर बात करें थॉर की स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में तो वो अपने एक पंच से एनिमी को आउटर स्पेस में फेंक सकता है, वो अपने सिंगल पंच से माउंटेन को तोड़ सकता है। बात करें थॉर विद म्यूनिर की स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में तो उसकी और गॉड के बीच बैटल के दौरान आसपास के प्लैनेट्स शैटर हो रहे थे, वो कई सारे मून्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसने सेलेस्टियल एग्जिटर की स्कल को क्रैक किया था, उसने पोर्शन ऑफ रियलिटी को अपनी सिंगल स्ट्राइक से शैटर किया था और तो और थॉर ने ग्लोरी को डिफीट किया था जिसके अंदर एस्गार्डियन गॉड्स की पावर थी। इस बैटल के दौरान थॉर ने क्वांटम सुनामी को परफॉर्म किया था जिसकी वजह से रियलिटी तक शैटर हो रही थी। तो गाइस ये था गॉड ऑफ थंडर एके ओडिनसन थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो जॉनी ब्लेस जो कि वर्ल्ड फेमस स्टंट साइक्लिस्ट था, वो अपनी मेंटर को कैंसर से बचाने के लिए डेविल के साथ डील करता है और उस डील के अकॉर्डिंग वो अपनी सोल को बेच देता है और इसी वजह से जॉनी ब्लेस बन गया था घोस्ट राइडर। अगर मैं बात करूँ घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो वो पोजेस करता है कई सारे सुपर नेचुरल पावर्स को। उसके पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो इजिली सॉलिड स्टील को तोड़ सकता है, 50-60 टन्स ऑफ वेट की ऑब्जेक्ट्स को आराम से टॉस कर सकता है। उसने मार्वल लूसिफर को पंच मार के सेवरल मीटर्स दूर फेंक दिया था और तो और घोस्ट राइडर सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को अननोन डिग्री तक इंक्रीज भी कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, वो बुलेट्स को कैच कर सकता है, एडवांस स्नाइपर बुलेट्स को इजीली डॉच कर सकता है, उसने मिड एयर में लैंटर्न बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय किया था और तो और वो हाइपरसोनिकली फास्ट अटैक्स पर रिएक्ट भी कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने मिड एयर में म्यूनिर को कैच भी किया था। बात करें घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो वो कम्प्लीटली बुलेट प्रूफ है, पावरफुल नाइट्रो एक्सप्लोडिंग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। घोस्ट राइडर के ऊपर स्पाइडरमैन के अटैक्स का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड वॉर हल्क भी घोस्ट राइडर का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया था और तो और अवेंजर्स की कंबाइंड अटैक से घोस्ट राइडर कम्प्लीटली अनहार्म्ड था। अगर मैं बात करूँ घोस्ट राइडर की इम्यूनिटीज एंड रेजिस्टेंस के बारे में तो वो कम्प्लीटली इम्यून है फायर टाइप अटैक से, उसके ऊपर पॉइजन का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, वो इम्यून है ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ होली अटैक से। घोस्ट राइडर रेजिस्ट कर सकता है रियलिटी वार्पिंग को और तो और उसके पास हाई रेजिस्टेंस है किसी भी टाइप की मैजिकल अटैक्स के खिलाफ, घोस्ट राइडर ब्रीथिंग के बिना भी इजिली सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा वो पावरफुल एक्सप्लोजन अटैक्स एक्सट्रीम टॉर्चर एंड ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा को लॉन्ग टाइम तक झेल सकता है। घोस्ट राइडर के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वो किसी भी टाइप की सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को मैटर्स ऑफ सेकंड में ही हील कर सकता है और तो और एक डेविल ने घोस्ट राइडर की सर को ब्लास्ट कर दिया था बट घोस्ट राइडर ने मैटर्स ऑफ सेकंड में ही अपनी सर को फिर से रीग्रो किया था। घोस्ट राइडर के पास है अपनी राइड यानी मोटरसाइकिल और उसकी मोटरसाइकिल ऑलवेज हेलफायर से कवर रहता है, वो अपनी मोटरसाइकिल को यूज करके ग्रेट डिस्टेंस जंप मार के कवर कर सकता है। सिर्फ नहीं, पानी के ऊपर से भी ट्रेवल कर सकता है, वो अपनी मोटरसाइकिल को यूज करके हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक टैंक्स को इजीली क्रश कर सकता है, उसकी मोटरसाइकिल वर्टिकल सरफेस में भी चलता है और तो और घोस्ट राइडर की मोटरसाइकिल म्यूनिट से भी ज्यादा फास्ट है। घोस्ट राइडर के पास है अपनी हेलफायर चेन, उसने अपनी चेन को यूज करके एक डीमन को ट्रैप किया था, सॉलिड रॉक्स के अंदर एक टनल बनाया था, एक एंजल को बांध के रखा था, एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया था, वो हेलफायर चेन की यूज करके अपनी बॉडी बैलेंस एंड मोबिलिटी को एनहांस कर सकता है। अपनी हेलफायर चेन से वो मल्टीपल ओपोनेंट्स को एक साथ अटैक कर सकता है, वो एक टाइम पे मल्टीपल चेन्स को प्रोजेक्ट कर सकता है और तो और घोस्ट राइडर के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हेलफायर चेन्स भी है। घोस्ट राइडर के पास है पिन एंड स्टेयर, पिन एंड स्टेयर की यूज करके उसने डॉक्टर वोडो को डिफीट किया था, डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट करने के साथ साथ ऑलमोस्ट मार ही दिया था। पिन एंड स्टेयर की यूज करके घोस्ट राइडर ट्रूथ सीक्रेट्स एंड मैजिक्स को रिवील कर सकता है, वो किसी पर्सन की मेमोरी को देख सकता है और सीन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। पिन एंड स्टेयर से अफेक्टेड बींग्स को घोस्ट राइडर कमांड कर सकता है और तो और पिन एंड स्टेयर की यूज करके वो किसी की सोल के साथ साथ बॉडी को भी जला सकता है। घोस्ट राइडर
पोजेस करता है हेलफायर मैनिपुलेशन की पावर्स को। वो अपने हेलफायर को यूज करके पावरफुल एक्सप्लोसिव फायरबॉल प्रोड्यूस कर सकता है। इंटायर पार्क साइज एरिया को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा उसने टैंक्स को मेल्ट किया था, डॉक्टर डूम को हर्ट किया था, आयरन मैन एंड थॉर को अपने एक ब्लास्ट से दूर फेंक दिया था, एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय किया था, उसने हेलफायर रेन से डीमंस को डिस्ट्रॉय किया था, हेलफायर ब्रिज से एक डीमन को बर्न डाउन किया था, और तो और उसने एंग्री हल्क को डिफीट भी किया था। इसके अलावा घोस्ट राइडर और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करता है, जैसे कि वो फ्लेम्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, अपनी सुपरनेचुरल पावर से वेपन्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, किसी भी टाइप की व्हीकल्स को हेलफायर से इनहेंस कर सकता है, और तो और घोस्ट राइडर को मैजिक्स के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज है। घोस्ट राइडर एक स्किल्ड फाइटर है बोथ आर्म्ड एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट्स में। इसके अलावा घोस्ट राइडर की कंट्रोल जब ज़ेराथस के पास होता है तब घोस्ट राइडर की पावर्स काफी ज्यादा इनहेंस्ड भी हो जाता है। ज़ेराथस कंट्रोल घोस्ट राइडर कई बार मार्वल लूसिफर को डिफीट कर चुका है और अवेंजर्स एंड म्यूटेंट्स इंक्लूडिंग वुल्वरीन स्कारलेट विच एंड थॉर के अगेंस्ट फाइट करने के साथ साथ उनको डिफीट भी कर चुका है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो गाइस ये था घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज। सो घोस्ट राइडर एंड थॉर दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बींग माने जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कॉमिक्स में भी इन दोनों की बैटल हमें कई बार देखने को मिला है, जैसे कि माइटीस्ट हीरोज ऑफ अर्थ, अवेंजर्स कॉमिक इशू नंबर 244 एंड अवेंजर्स वॉल्यूम 5 से लेकर और भी कई सारे। तो पहले कॉमिक्स में हुए इन दोनों की बैटल को थोड़ा देखे तो जॉनी ब्लेज थॉर को मल्टीपल ऑकेशंस में डिफीट कर चुका है, सिर्फ थॉर नहीं बल्कि पूरे अवेंजर्स को। वही मैं बात करूं ज़ेराथस कंट्रोल घोस्ट राइडर के बारे में तो उसने तो अर्थ के माइटीस्ट हीरोज इंक्लूडिंग थॉर, ब्लैक बोल्ट, वुल्वरीन एंड स्कारलेट विच को भी डिफीट किया है। सिर्फ यही नहीं, थॉर के माइटीस्ट ब्लोस खाने के बाद भी ज़ेराथस कंट्रोल घोस्ट राइडर एक इंच तक नहीं हिला। तो यस, अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक थॉर विदाउट ओडिन फोर्स या कहे थॉर फोर्स घोस्ट राइडर को डिफीट नहीं कर सकता। बट क्या होगा अगर थॉर अपनी थॉर फोर्स की यूज करके घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो? थॉर फोर्स जिसे हम बेसिकली ओडिन फोर्स के नाम पे जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स है इन द इंटायर यूनिवर्स। ओडिन ने ओडिन फोर्स को यूज करके गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट किया है, और तो और ओडिन फैब्रिक ऑफ द मल्टीवर्स को शैटर कर चुका है जिसकी वजह से अनगिनत गैलेक्सीज खतरे में थे। इसके अलावा ओल्ड किंग थॉर ने ओडिन फोर्स की यूज करके गॉड द नेक्रोवर्स को डिफीट किया है। अब ओडिन फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स होने के बावजूद भी इस फोर्स से ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग लाइफ आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय या फिर थ्रेटन नहीं किया जा सकता। बट ज़ेडिकेल ने खुद कहा था कि द लॉर्ड्स डिवाइन रात घोस्ट राइडर की पावर्स अगर गलत हाथों में लग गए तो उस पावर से ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया जा सकता है। तो यस, घोस्ट राइडर की पावर सोर्स यानी ज़ेराथस एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। ओवरऑल देखे तो थॉर अगर थॉर फोर्स की यूज करके घोस्ट राइडर के अगेंस्ट लड़े तो वो जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर को डिफीट कर देगा। बट जैसे ही जॉनी ब्लेज नॉकआउट हो जाएगा तब घोस्ट राइडर की कंट्रोल ज़ेराथस के पास चला जाएगा, और अब थॉर विद थॉर फोर्स एंड ज़ेराथस के बीच एक डिस्ट्रक्टिव बैटल स्टार्ट हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़ेराथस कंट्रोल घोस्ट राइडर थॉर विद थॉर फोर्स को डिफीट कर देगा। ओडिन फोर्स या कहे थॉर फोर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट इस फोर्स की यूजर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ओडिन एंड थॉर दोनों ही ओडिन फोर्स को यूज करने के बाद ओडिन स्लीप एंड थॉर स्लीप में जाते थे, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स को ज्यादा देर यूज करने की वजह से एस्गार्डियन गॉड्स नोटिसिबली वीक हो जाते थे, और अपनी लॉस्ट हेल्थ एंड एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए एस्गार्डियन गॉड्स एक स्पेशल प्लेटफॉर्म में सोते हैं जिसे ओडिन स्लीप एंड थॉर स्लीप कहा जाता है। वही दूसरी तरफ जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर की भी लिमिटेशंस है, बट जब कंट्रोल ज़ेराथस के पास होता है तब घोस्ट राइडर की कोई लिमिट्स नहीं रहता। डिवाइन वेपन से घोस्ट राइडर को हर्ट किया जा सकता है, बट थॉर की प्राइमरी वेपन म्यूनिट एक मैजिकल वेपन है जिसे उरुमेटल से बनाया गया है। ओवरऑल देखे तो नॉर्मल थॉर एंड जॉनी ब्लेज कंट्रोल घोस्ट राइडर के बैटल कॉमिक्स में हो चुका है, जहाँ पे विनर जॉनी ब्लेज था, और थॉर विद थॉर फोर्स एंड ज़ेराथस कंट्रोल घोस्ट राइडर की बैटल में विनर घोस्ट राइडर होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि घोस्ट राइडर को गॉड ने बनाया है और सिर्फ गॉड ही घोस्ट राइडर को मार सकता है। इसके अलावा ज़ेडिकेल भी घोस्ट राइडर को मार नहीं पाया था, तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर घोस्ट राइडर होगा। तो गाइस ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।